चाइना के एकदम से सुर बदल चुके हैं। चाइना के राष्ट्रपति मिस्टर जी जिनपिंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने को बहुत ज़्यादा आतुर हो चुके हैं, और बल्कि चाइना ने ये तक इशारा कर दिया है कि हम लोग भारत के साथ जो LAC को लेकर मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे को भी हम लोग सॉल्व करने को तैयार हैं, बस पीएम मोदी और जी जिनपिंग के बीच में एक मीटिंग करवा दीजिए। और ये जो मूव है ये चाइना की डेस्पिरेशन को शो करता है, बिकॉज पिछले 4 वर्षों में जब से गलवान वैली वाला मुद्दा हुआ है तब से लेकर अब तक पीएम मोदी एंड जी जिनपिंग के बीच में कोई भी यहाँ पर पर्सनल मुलाकात देखने को नहीं मिली है। एंड ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं बिकॉज चाइना इकोनॉमिकली बहुत बड़े लेवल पर सफ़र कर रहा है, इंडिया का मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उसको, एंड इंडिया के द्वारा और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर चाइना के ऊपर इम्पोज करी हुई हैं जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी बड़े तरीके से सफ़र कर रही है। अजीत देवल साहब की मीटिंग भी हुई है वांगी से जोहान्सबर्ग में और वो अच्छी नहीं गई, इंडियन मीडिया ने ही कहा है कि वो अच्छी नहीं गई। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। हालांकि वो चाइना की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में है वो। अच्छा। इसके बावजूद मतलब क्योंकि भारत माँ की जय वो पुराना वो बता रहे हैं और भारत महाभारत महाभारत और भारत माँ की जय और वो नारे। दोस्तों आचार्य चाणक्य एक बात कह के गए थे कि लड़ाई हारने से हार नहीं होती है, हिम्मत हारने से हार हो जाती है। आप देख लीजिए भारत की हिम्मत, हमारे जवानों की हिम्मत, फौज की हिम्मत डटी हुई है बॉर्डर के ऊपर जहां -डिग्री में टेम्परेचर होता है, अब चीन की हालत खराब करती है। आज चीन ने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा भी कर सकता है। उसने सोचा था कि 2-4 दिन खड़े होंगे भाग जाएंगे ठंड से, लेकिन देख लीजिए दोस्तों 4 साल से हमारे जवान वहां खड़े हैं सीना तान कर खड़े हैं। और आपने सुना होगा कि चीन के कितने फौजी तो शुरू में बीमार भी पड़ गए थे, वो तो जानना भी नहीं चाहते हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, और ये हकीकत है दोस्तों। अच्छा मजेदार बात ये है कि चीन को पूरी दुनिया ने घेर लिया, खासतौर से अमेरिका ने। आज अमेरिका ने चीन के ऊपर ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और पूरा यूरोप भी साथ में आ गया है, चीन को चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों। अब चीन की चीज़ें बिक नहीं रही हैं और आसपास के देशों को इसने वैसे भी खाली बना दिया है, तो अब ये जाएगा कहाँ? इसको सब एक देश नजर आ रहा है और वो है भारत। अभी हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है कि भैया मुझे भारत के अंदर ट्रेड करने दो, किसी तरीके से मुझे भारत में एंट्री दे दो, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। दोस्तों ये बहुत जल्दी अपनी सेना हटाएंगे, वापस भाग जाएंगे, लेकिन मज़ा तो तब आएगा पाकिस्तान क्या बोलेगा। अभी तक तो पाकिस्तान इनके दम पे उछल रहा था, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर चाइनीज की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए उसे ब्लॉक किया जा रहा है, वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक कार है उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे, लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को बंद कर दिया। इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोकल जो बाहर की कंपनीज है अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं स्पेशली चाइनीज, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर कोई हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो, उसके अंदर नहीं जाते, उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफिल किया। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि
अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज हैं इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था, इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमें परमिशन, हमारे से परमिशन लो। अब बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाटएवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए इन सारी कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियां बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है, और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रंप कार्ड है, ये डेस्परेट है, और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज हैं अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं, अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि चाइना की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अब नहीं होने दी जाएंगी, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है कि अमेरिकन्स ये मेक श्योर करेंगे कि चाइना को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज ना दी जाएं, ऐसी कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो कि चाइनीज वेपन में इस्तेमाल हो वो उन तक ना पहुंच पाए। साफ सीधी बात है, एक जमाना था जब हम बोलते थे हमारा पड़ोसी देश हमारा, अब सीधा बोलते हैं कि भैया चीन, और डॉक्टर जयशंकर ने चीन को औकात दिखा दी, बोला कि देखो यार जब दो देश आपस में साइन करते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट को तो इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, आपने वो करार तोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि आप तोड़ सकते हैं, आपने तोड़ दिया, अब जब हम कुछ कर रहे हैं बदले में तब आपको दुख हो रहा है। ये दोस्तों वही माइंडसेट है चाइना का ना, जो हमास वाला माइंडसेट है ना, चाइना इज ऑल्सो लाइक हमास, पहले इसराइल को अटैक करता है, जब इसराइल जूते मारता है फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया ऐसा, चाइना इज ऑल्सो लाइक दैट। चाइना ने पहले वार किसने पहले करा? चीन ने करा, जब चीन ने वार करा भारत ने जवाब दिया, जब भारत ने जवाब दिया तो चाइना कहता है हाय हाय मर गए, बर्बाद हो गए, लुटपुट गए। तो भैया ये स्टोरी है। तो दोस्तों इंडियन नेवी ने ठोका, इंडियन आर्मी ने ठोका, मोदी जी ने इनका बैंड बजा दिया अच्छे तरीके से, सेला टनल तवांग, उसमें देखना अभी मौत आएगी चाइनी।